कहते हैं खुदा ने इस हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम कुछ इस तरह का रेन ड्रॉप वाला वीडियो एडिट करना सीखेंगे। इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना बहुत ही आसान है। अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का वीडियो क्रिएट करने के लिए हमें दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, पहला VNF और दूसरा नोएड एप। दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले VNF को ओपन करते हैं। तो दोस्तों, हम अपने VNF को ओपन कर चुके हैं। सबसे पहले हम यहां प्लस पर क्लिक करेंगे और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद हमारा गैलरी ओपन हो जाएगा। यहां से हम अपना कोई एक फोटो सिलेक्ट करेंगे, जिस फोटो से हमें स्टेटस क्रिएट करना है। तो चलिए हम यहां पर कोई फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम अपना फोटो सिलेक्ट कर चुके हैं। इसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम इस फोटो को सिलेक्ट करेंगे और इसके ड्यूरेशन को हम 10 से 15 सेकंड तक कर देंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसकी ड्यूरेशन को 10 सेकंड तक कर दिए। इसके बाद हम इस ब्लैक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। इसके बाद फिर हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे और यहाँ ओरिजिनल पर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा खिसकाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा 9:16, सिंपली हम इसी साइज को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इस वीडियो में एक शैडो ऐड करेंगे। इसके लिए सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर हम वीडियो फोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम उस शैडो को ऐड कर लेंगे। इस शैडो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इस शैडो को ऐड करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा शैडो ऐड हो चुका। इसके बाद हम इसको रोटेट करेंगे, इसको हम कुछ इतना रोटेट कर लेंगे, फिर हम इसको थोड़ा बड़ा करेंगे और इसको यहाँ पे ला के कुछ इस तरह से इसको रख लेंगे। इसको यहाँ पे ला के रख लेंगे, फिर हम इसकी ड्यूरेशन को जहां तक हमारा फोटो है वहां तक इसको कर लेंगे। इसके बाद फिर हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे और इस वीडियो में एक लेरिक वाला वीडियो एड करेंगे। इसके लिए सिंपली हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर हम वीडियो फोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम इसको एड कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा लेरिक वाला वीडियो एड हो चुका। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा खिसकाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ब्लेंडिंग, सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे, फिर हम इसको थोड़ा सा खिसकाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा स्क्रीन, सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेंगे, फिर हम यहाँ टिक पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम इसको थोड़ा बड़ा करेंगे और इसको यहाँ पे लाके कुछ इस तरह से इसको रख लेंगे। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा खिसकाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा वॉल्यूम, सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे और इसके वॉल्यूम को हम 50 तक बढ़ा लेंगे। इसको हम कुछ इतना बढ़ा लेंगे। इसके बाद हम इस वीडियो को सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए सिंपली हम एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ टिक पर क्लिक कर लेंगे, हमारा वीडियो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा वीडियो सेव हो रहा है, हम कुछ देर वेट करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा वीडियो सेव हो चुका। इसके बाद हम बैक जाएंगे और अपने नोएड ऐप को ओपन कर लेंगे। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ऐप ओपन हो चुका। सबसे पहले हम यहाँ न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ रेशियो पर क्लिक करेंगे और इसके रेशियो को हम 9:16 वाला सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ प्लस पर क्लिक करेंगे, फिर हम मीडिया पर क्लिक करेंगे, फिर हम वीडियो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे जिस वीडियो को हम VNF से क्रिएट किए हैं। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा वीडियो एड हो चुका। इसके बाद हम यहाँ प्लस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि ब्लेंडिंग इफेक्ट मास्क टाइम एस एस स्टोर, सिंपली में एस एस स्टोर पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रेन ड्रॉप, सिंपली में इसी इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है ब्लर, सिंपली इसके सामने 0.10 पर हम क्लिक करेंगे और इसको खींच करके हम थोड़ा सा नीचे लाएंगे। इसको हम कुछ इतना नीचे ला कर रख लेंगे। तो दोस्तों, फाइनली हमारा वीडियो क्रिएट हो चुका। अगर इसे मैं सेव करना है, सिंपली हम डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ ग्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, हमारा वीडियो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए।